मरीज और डॉक्टर में एक एहतराम और एतमाद का ताल्लुक होता है। मरीज डॉक्टर पर एतमाद करता है कि वो इसका इलाज करने में मुखलिस है और इसे ऐसी दवा देगा जिससे वो शफायाब हो जाए। मरीज डॉक्टर पर ये शक नहीं करता कि वो दवा तजवीज करते वक्त चंद रुपयों की लालच में इसकी सेहत बर्बाद कर देगा, लेकिन जुल्म ये है कि डॉक्टरों की बड़ी अक्सरियत मरीजों को गाहक समझकर यही जुल्म कर रही है। डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का भयानक गठजोड़ मरीजों के अजा नाकारा बना रहा है, हंसते बसते घर उजाड़ रहा है। मुल्क में 600 से ज्यादा रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, 66,000 से ज्यादा अद्वियात रजिस्टर्ड हैं। ये कंपनियां सालाना 2.5 अरब डॉलर यानी 250 अरब रुपए का बिजनेस करती हैं। एक ही दवा मुख्तलिफ नामों से सैकड़ों कंपनियां बना रही हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान सख्त मुकाबला होता है। कंपनियां ज्यादा से ज्यादा अद्वियात फरोख्त करने के लिए डॉक्टर्स को कीमती तहाइफ, पुरकशिश तरगीबात और मरात देती हैं। चंद साल पहले तक ये कंपनियां डॉक्टर्स को लेटर हेड, बॉल पॉइंट पेन और ब्रीफ केस के तोहफे देते तो वो बड़े खुश होते, मगर अब ये चीजें हकीर समझी जाती हैं। अब तो सेल टारगेट की बकायदा डील होती है कि आप इतने लाख की दवाएं फरोख्त करें और मरीजों को इस्तेमाल करवाएं तो इतना कमीशन देंगे। और हैरान कुन बात यह है कि ये कमीशन 25% से लेकर 70-80% तक होता है। जी हाँ, 80% यानी 100 रुपए की दवा में 80 रुपए डॉक्टर खा जाता है। कई डॉक्टर्स एडवांस नकद पैसे या चेक ले लेते हैं और मरीजों को अंधाधुंध दवाएं लिख लिख कर टारगेट पूरा कर देते हैं। दवा साज कंपनियां डॉक्टरों को बड़े मजे कराती हैं। फैमिली समेत स्विट्जरलैंड, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की तफरीही टूर्स कराती हैं। बिरूने मुल्क कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के नाम पर मुल्को मुल्क घुमाती हैं। यहीं पर बस नहीं, ये कंपनियां अस्पतालों की तामीर और ताजीन और आयश करती हैं और सारा सामान और आलात फ्राहम करती हैं। नई गाड़ियां पेश की जाती हैं, जितना बड़ा टारगेट इतनी बड़ी नई नवेली गाड़ी। फैमिली फंक्शंस और बच्चों की शादियों के बिल, हत्ता के डॉक्टर्स के नाश्ते, लंच और डिनर्स के बिल्स भी दवा साज कंपनियां अदा करती हैं। मसीहाओं की हिस्सो हवस की हद यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि मरीजों में दवाइयों का जहर उतार कर उमरा और हज की सआदत भी हासिल की जाती है। दवाओं की एक मायाद होती है, इनकी एक्सपायरी तारीख करीब आती है तो कंपनियां दवाओं का ये स्टॉक औने पौने डॉक्टरों को फरोख्त कर देती हैं, जो मरीजों पर धड़ाधड़ बिला जरूरत थोप देते हैं। और मरीज डॉक्टरों की दी हुई जहर आलूद दवाएं फांक फांक कर मौत के मुंह में चले जाते हैं। कोई है जिन मोजिस डाकुओं को पूछे?